अब राजा बैठे हैं, अनेक देशों के राजा बैठे हुए हैं, धनुष रखा हुआ है। जनक जी महाराज ने कहा उन राजाओं से जो दीप दीप के भूपति नाना आए थे, उनसे कहा आप लोग क्यों आए हो पहले ये बताओ। राजाओं ने कहा धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, और धनुष तोड़ने के बाद में आपकी बेटी सीता के साथ हम विवाह करेंगे। जनक जी ने कहा कि मेरी बेटी के साथ विवाह करोगे? हाँ, धनुष तोड़ेंगे इसके बाद करेंगे। एक बात आपको बतावे, ये राजा जो है कम उम्र वाले नहीं है। जितनी सीता जी की आयु है 6 वर्ष की, याद रखना, वो राजा कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, और सीता जी 6 साल की है। अच्छा एक बात बताओ, 60 साल का पहलवान कोई बल से कार्य पूरा कर ले तो 6 साल की बेटी के साथ, कन्या के साथ विवाह कर सकता है? बोलो, जल्दी बोलो। और यदि ऐसा करता है तो सबसे बड़ा अन्याय माना जाएगा कि नहीं? सबसे बड़ा अन्याय होगा। दीप दीप के भूपति नाना, इन सबके विवाह हो गए थे, और भूपत नाना ये सब नाना भी बन गए थे, ये सब नाना बन गए थे। अच्छा बोलो भाई, बेटी का विवाह करे कोई बाप, उसके बच्चे हो जाएं तो बच्चे क्या कहेंगे? वो जल्दी बोलो, नाना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नाना, इनके सबके विवाह हो गए, इनके बच्चों के बच्चे हो गए, फिर ये विवाह कराने के लिए आए। तीन काम कभी नहीं करना चाहिए, और यदि ये तीन कार्य होते तो सबसे बड़ी भूल है। कौन कौन? बुढ़ापे की शादी, ये सबसे बड़ी भूल है। बुढ़ापे में कभी शादी नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी भूल है। बिना ब्रेक के वाहन में कभी बैठना नहीं चाहिए। जिस वाहन में ब्रेक ना हो उसमें कभी बैठना नहीं चाहिए। बुढ़ापे में शादी नहीं करनी चाहिए, और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, यदि प्रजातंत्र को बरकरार रखना चाहते हो तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बहुत साफ बोल रहा हूं। आप कहोगे महाराज अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ, बुढ़ापे में शादी करा ली और बिना ब्रेक का वाहन अगर स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? याद रखना, बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र, बिना ब्रेक का वाहन और बुढ़ापा की शादी, ये इंसान को श्मशान तक पहुंचाने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन का काम करते हैं। अगर मरघट पे पहुंचना है तो ये सुपर फास्ट ट्रेन का काम करेंगे। इसलिए कभी नहीं करना चाहिए, सावधान रहो। इन मूर्ख राजाओं को कौन समझावे कि 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र लिए बैठे हो और देख नहीं रहे हो जनक की बेटी मात्र 6 साल की है, लेकिन विवाह करने के लिए आए हो। जनक जी ने कहा अगर विवाह करना ही चाहते हो मेरी बेटी से तो तुम्हारे बल का परीक्षण होगा, पहले बल का परीक्षण करो, धनुष के पास जाओ और धनुष को तोड़ के बताओ, बताओ धनुष को तोड़ के। अच्छा जनक जी ने ये बात क्यों कह दी? मान लो कोई पहलवान तोड़ देता धनुष तो मुसीबत खड़ी हो जाती, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। अच्छा और यहां तक ही नहीं कि राजे ही नहीं आए, बल्कि रावण और बाणासुर भी आ गए। चलो दशानन डोले धरनी चलता है तो पृथ्वी कांपती है, वो रावण भी आ गया। अब बताओ चुनौती आ गई सामने कि नहीं आई? रावण भी आ गया। आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं कि रावण आया है जनक के लिए, और विवाह के समय भी आया है रावण, विवाह के समय ही आया है। जब सीताराम जी के विवाह की चर्चा हो रही थी, माहौल बना था, उसी समय रावण आ गया बाणासुर को लेकर के। लेकिन जनक जी ने कहा पहले तुम सब धनुष के पास जाओ, तो राजा लोग धनुष के पास जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा परी करी बांध उठे
लाई। और चले इष्ट देवन सिरनाय। जैसे ही एक राजा खड़ा हुआ, उसने अपने इष्ट देवता से कहा कि मेरी मदद करना, क्योंकि मैं धनुष तोड़ू और सीता के साथ विवाह करूं। तो जो इष्ट देव थे वही सिर झुका के चले गए। बोले शर्म नहीं आ रही है, चले इष्ट देवन सिर झुकाए। इष्ट ही देवता सिर झुका के चले गए कि शर्म कर बूढ़े मरने के लिए जा रहा है और 6 साल की कन्या से विवाह कर रहा है, चल मैं तेरा साथ नहीं दे रहा हूं। इष्ट देवता ही चले गए, इष्ट देव ने ही साथ नहीं दिया, वो शर्मिंदित होके गए इष्ट देव। याद रखना, अपने पुरखों को शर्मिंदित मत करो। गलत सोच गलत काम करके गलत सोच रखे अपने पुरखों को लज्जित मत करना, याद रखो। ये पुरखे तुम्हारे लज्जित कब होते हैं? जब उनकी संतान जो है गलत काम करती है। ऐसा काम करके दिखाओ कि तुम्हारे जितने भी पुरखे ऊपर पहुंच गए हैं उनका सीना चौड़ा हो जाए, कंसे मस्तक तक ऊंचा हो जाए। ऐसा काम करके दिखाया करो जैसा काम आज तुम करके दिखा रहे हो। समरसता महाकुंभ इसमें जुड़ करके तुम सहयोग कर रहे हो। तन से मन से धन से तुम्हारे पुरखे वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं। जब इस मंच से घोषणा होती है कि फलाने गांव के लोगों ने 100 मन अनाज और 1,00,000, 1.25 लाख, 2 लाख रुपया समरसता महाकुंभ रुद्र महायज्ञ में दान किया, तो पुरखे ऊपर से कहते जय हो जय हो जय हो, तुमने हमें तार दिया है, बहुत अच्छा काम किया तुमने हमें तार दिया है। और मंच से ये घोषणा हो कि किसी भी व्यक्ति ने 1 जंजीर सोने की खींच ली और वो चोरी में पकड़ा गया, फलाने गांव का फलाने नाम का वो चोरी में पकड़ा गया, तो पुरखे कहते हैं नालायक तूने ना वहां चैन से रहने दिया ना यहाँ चैन से रहने दे रहा है तू। तूने ऐसा काम किया कि आज सारे लोग सुन रहे हैं कि चोर पकड़ा गया, फलाने गांव का पकड़ा गया, फलाने खानदान का पकड़ा गया। बोलो ईमानदारी से वो पुरखे तुम्हें बद्दुआएं देंगे कि नहीं देंगे? इसलिए ज्यादा से ज्यादा बन सके पुरखों को खुश करने के लिए तो दान करो मुक्त हस्त से। और ये सबसे बढ़िया चांस तुम्हें मिला है, ये बड़ा ही स्वर्णिम काल तुमको मिला है। ये तपोनिष्ठ संत श्री मौनी बाबा बैठे हुए हैं, इन्होंने महंत शोभानंद भारती जी महाराज ने अपने त्याग तप के बल पर तुम्हें स्वर्णिम काल दिया है कुंभ के माध्यम से। इसलिए इसमें तन मन धन से सहभागी बन जाओ, यज्ञ की वेदी पर बैठो। और जिस समय यज्ञ की वेदी पर बैठ करके कहोगे स्वाहा, पुरखे कहेंगे वाह पुरखे ऊपर से वाह वाह करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तुम कहोगे स्वाहा, पुरखे कहेंगे बेटा तुमने नाम ऊंचा कर दिया है, बहुत बढ़िया काम किया है, आज हमको तार दिया है तुमने, आज हम क्या सुन रहे हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये देवता ही तो हमारी रक्षा करेंगे, ये देवता ही हमारा कल्याण करेंगे, ये देवता ही हमें मोक्ष देंगे। बोलो तारीफ होगी कि नहीं होगी तुम्हारी? इसलिए अच्छा काम करो, यज्ञ की वेदी पर होड़ लगा दो बैठने के लिए, हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। और ज्यादा लोग हो जाएंगे तो वेदियां भी बढ़ा दी जाएंगी, चिंता मत करना परेशान मत होना, और वेदियां बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन तुम तैयार हो जाओ। इसलिए विचार कर लेना, एक एक वेदी पर मैं कहता हूं, और भी लोग चाहें तो ऐसा नहीं कि एक वेदी पर एक ही बैठेगा, और भी सहयोगी बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ ये शास्त्रीय विधान है, इसलिए इस विधान के अनुसार ही हवन कराया जाएगा और आपको विधि पूर्वक हवन से जोड़ा जाएगा।